में स्वागत है आपका फोर एक्स फोर अनबॉक्स में। तो फाइनली आज इंडिया में लॉन्च हो चुकी है Xiaomi 11i सीरीज के स्मार्टफोन, जो आज हम बात करने वाला है Xiaomi 11i हाइपर चार्ज की। तो क्या होगी उसकी स्पेसिफिकेशन और क्या प्राइस होगी स्मार्टफोन की, तो सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट कर देना। बढ़ते फ़ोन की तरफ, तो फ़ोन की शुरुआत करते हैं फ़ोन की बैक साइड से। तो बैक साइड में पूरा आपको फ्लैट देखने मिलेगा, जिसमें आपको रेक्टेंगल में कैमरा मॉड्यूल देखने मिल जाता है। इसमें मेन कैमरे में आपको कुछ सिल्वर कलर में हाईलाइट दिया गया है, और नीचे की तरफ रेडमी का ब्रांडिंग भी देखने मिल जाता है। और फ्रंट सेट की बात करें तो फ्रंट सेट में आपको 6.67 इंच का एमोलेड पैनल वाला डिस्प्ले देखने मिल जाता है, जिसमें आपको 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट देखने मिल जाता है, जो बहुत अच्छी बात है। और इसमें गोरिल्ला ग्लास का भी प्रोटेक्शन देखने मिल जाता है। और इसके अंदर कैमरा की बात करें तो पंच होल कटआउट में एक कैमरा मॉड्यूल भी देखने मिलता है। तो पल्सर बटन की बात करें तो राइट साइड में आपको वॉल्यूम बटन पावर बटन, जिसमें आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने मिलता है। और टॉप साइड में 3.5 mm का जैक, नॉइस कैंसलेशन माइक, स्पीकर जो JBL का ब्रांडिंग दिया गया है। और बॉटम साइड में सिम ट्रे, टाइप सी पोर्ट, माइक और दूसरा स्पीकर। Xiaomi 11i हाइपर चार्ज के परफॉर्मेंस की बात करते हैं, इसके अंदर आपको MediaTek का प्रोसेसर देखने मिल जाता है, जो होगा Dimensity 920 एसोसिएट का प्रोसेसर मिल जाता है, जो Vivo V20 सीरीज में देखने मिला था। और ये स्मार्टफोन Android 11 पर रन करने वाला है। और इसके रैम और स्टोरेज की बात करें तो 8GB और 128GB बेस वेरिएंट देखने मिलता है स्मार्टफोन में। तो हम बात करते हैं इसके कैमरा की, तो कैमरा मॉडल के अंदर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने मिल जाता है, जिसमें 108MP का मेन कैमरा, 8MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा, 2MP का डेप्थ कैमरा। तो इसमें कोई माइक्रो सेंसर ऐड नहीं है, तो वो गलत लगा मुझे, क्योंकि एक माइक्रो सेंसर तो होना ही चाहिए। और फ्रंट साइड में आपको 20MP का सेल्फी कैमरा देखने मिले, तो कैमरा में फ़ोन बहुत अच्छा लगा मुझे। तो फाइनली बात करते हैं इसकी बैटरी की, तो इसके अंदर 4500 mAh का बैटरी देखने मिल जाए, साथ में 120W वाला फास्ट चार्जर देखने मिल जाए, जो इंडिया का फर्स्ट फ़ोन है जो 120W का फास्ट चार्जर देखने मिलता है स्मार्टफोन के अंदर। तो अब इस स्मार्टफोन की प्राइस की बात करें तो उससे पहले इसके अंदर दो कलर वेरिएंट देखने मिल जाते हैं, कामो ग्रीन और स्ट्रेट ब्लैक कलर देखने मिल जाता है, जो मुझे पर्सनली कलर बहुत अच्छे लगे। और इसकी प्राइस होने वाली बेस वेरिएंट की 29,990 की प्राइस है इंडिया में। तो कैसा लगा ये फ़ोन और वीडियो कमेंट में जरूर बताना, अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।